हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इसी वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, रेस्टफुल एपीए के साथ काम कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर हम एपीए की बात करें, इसको हमें यूज क्यों करते हैं। एक कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर करना है दूसरे कंप्यूटर तक ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पर हम चैटिंग एप्लीकेशन की बात करें, इसके रियल टाइम एग्जाम्पल है। इसी वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट बताऊंगी हम यहाँ पर एक कंप्यूटर से मैसेज कैसे भेजते हैं, तो यहाँ पर दूसरे पर्सन को मैसेज मिलता कैसे, ये कम्प्लीट मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाली हूँ। रेस्टफुल एपीआई का यूज यही होता है कि आपने इंटरनेट की हेल्प से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में मैसेजेस पास करने हैं। अगर हम रेस्टफुल एपीआई की बात करते हैं तो यहाँ पे बात होगी सॉकेट्स की। सॉकेट को यूज करते हैं हमेशा ही एक एक यूजर का या फिर एक डिवाइस का कनेक्शन बनाना है मल्टीपल यूजर्स के साथ। तो जब भी हमने कम्युनिकेट करना होता है, ऑनलाइन चैटिंग एप्लीकेशन बनानी होती है, वहां पर हमें मल्टीपल यूजर्स चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले सॉकेट्स। तो इस कम्प्लीट वीडियो में हम सीखेंगे रेस्टफुल एपीएस के साथ काम करना और सॉकेट को कैसे यूज करते हैं, रियल टाइम कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और रियल टाइम चैटिंग कैसे करते हैं, ये कम्प्लीट इसी वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। यहाँ पे आ गए हैं हम, रेस्टफुल एपीआई है, इसी को हम कंप्लीट करेंगे आज। कैसे क्रिएट करना है, इसके साथ कैसे काम करना है, कनेक्शन कम्युनिकेशन कैसे करनी है ऑनलाइन, वो सीखेंगे। उसके बाद बस एक टॉपिक हमारा रह जाएगा, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो सब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज। यहाँ पे कॉन्स्ट हम एक्सप्रेस पहले लगा देते हैं, इज इक्वल टू रिक्वायर लगा देते हैं, एक्सप्रेस को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है कॉन्स्ट HTTP, हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सॉकेट के साथ काम करना है तो HTTP हमारे पास सर्वर होते हैं, सारे के सारे सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करनी है। जितने भी HTTP के सर्वर है सबके साथ हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कॉन्स्ट सॉकेट हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, सॉकेट यहाँ पे आएगा IO इज इक्वल टू, इधर आएगा रिक्वायर, कहाँ से इसको करना है इंपोर्ट, सॉकेट डॉट IO। अब ये सॉकेट डॉट IO कहाँ से आएगा, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखो ये कमांड है, इसको बस आपने टर्मिनल में जाके पेस्ट कर देना है। NPM इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस, ये आप ना भी लिखो तब भी कोई बात नहीं, ये पहले ही आपने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर रखा होगा, नहीं किया तो आप ऐसे ही पूरी कमांड एग्जीक्यूट कर देना। सॉकेट आईओ को हमने डाउनलोड करना है, साथ में कोर्स आती है तो सॉकेट एंड कोर्स दोनों मिलके काम करती है, तो दोनों को आपने डाउनलोड कर लेना। मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। एक हमने पाथ जहाँ पे मैंशन करना है, पाथ रिक्वायर यहाँ पे आएगा पाथ, इसको हम बाद में देखेंगे। कॉन्स्ट उसके बाद कोर्स सारी ऐड करनी है, रिक्वायर कोर्स, तो ये होगी सारी कोर्स ऐड हो गई। यहाँ पे आ जाना है कॉन्स्ट, पहले हम ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस को इसमें डाल देते हैं ऐप में, ये हो गया बेसिक। उसके बाद हमने लिखना है एक, मुझे सर्वर बनाना पड़ेगा। कॉन्स्ट सर्वर हम अपना खुद का बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, HTTP क्रिएट कर दो हमें एक सर्वर ऐप नाम का, तो ये सर्वर हमें पहले क्रिएट करना पड़ता है, इसको आपने करना ही है क्रिएट, सॉकेट के काम साथ जब भी काम करना है। एक हम IO यहाँ पे मेंशन करेंगे, सॉकेट IO यहाँ पे आएगा सर्वर, ये है इसका सिंटैक्स। यहाँ पे कोर्स ऐड करनी है, कोर्स हम कैसे ऐड करते हैं, ओरिजिन आएगा जहाँ पे, इधर हम स्टार लिखेंगे, इसका स्टार या मल्टीप्लाई स्टार ही बेसिकली इसको बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, जितने भी HTTP के सर्वर है उनके साथ हमारा कनेक्शन क्रिएट कर देगा, ठीक है। HTTP के साथ जितने सर्वर बनते हैं हम उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करनी है तो हर एक ब्राउजर पे हम जैसे चैटिंग करते हैं सेम वही काम है कि HTTP वाले सर्वर पे हमने सारे के सारे कनेक्शन क्रिएट करने हैं। ऐप डॉट यूज करेंगे हम किसको, कोर्स को ऐसे करते हैं, तो ये हो गया क्या कोर्स को यूज करने का तरीका। ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन के साथ हम यहाँ पे अब हम यूज करेंगे, तो आपने इसको जेसन के साथ लगाना है ऐसे ही, इसको हम ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, जेसन के साथ इसको यूज करेंगे। ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक यहाँ पे आएगा पाथ, अब जहाँ पे हमने पाथ जो मेंशन किया था उसको ज्वाइन करेंगे किसके साथ, एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे DIR डायरेक्टरी नेम, यहाँ पे आपने एक नेम मेंशन करना है पब्लिक। अब ये क्या करेगा, पब्लिक का एक फोल्डर क्रिएट करना है, यहाँ पे मैंने बना रखा है उसके अंदर आपका एक
जिसको चैटिंग एप्लीकेशन आपने एक इंटरफेस क्रिएट करना है ना, तो मैंने इसमें सिर्फ एक इनपुट फील्ड लगा के जिधर मैं हेलो हाय टाइप करूंगी ना, वो वाला इंटरफेस आएगा। मतलब बेसिकली आपकी आउटपुट जो ब्राउजर पे दिखनी है उसको आपने पब्लिक वाले फोल्डर को क्रिएट करके, आपका जो भी डिजाइन होगा चैटिंग एप्लीकेशन का जो डिजाइन होगा वो पब्लिक वाले फोल्डर में HTML के कोडिंग के बीच होगा। इसके अंदर मैंने बस यहाँ पर लगा रखा है एक इनपुट फील्ड है, एक बटन लगाया हुआ है, बाकी ये सारा कोड हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको भूल जाओ। बस आपने इसको यहाँ पे मेंशन करना है कि पब्लिक वाली मेरे पास डायरेक्टरी है, पब्लिक वाला फोल्डर है, उसके अंदर मैंने इसको पाथ दे दिया, ठीक है, कि इसको ज्वाइन कर दो उस वाले मेरे इंटरफेस को जो सामने से नजर आएगा आउटपुट, उसको ज्वाइन कर दो मेरे इस वाले कोड में, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट एक कोड भी क्रिएट कर देते हैं, आउटपुट भी देखनी है, इज इक्वल टू प्रोसेस env.code, ये तो पिछले ही कोड है हमारा, 3000 पे लिख देते हैं, जो 5000 कोई भी लिख लो, चेक कर लेते हैं इधर कितना है, 3 ही है तो 3000 ही लिख देते हैं बस, ये अपने आप बन जाएगा कनेक्शन। यहाँ पे अब हमने एक क्रिएट करना है लेट मैसेज, अब यहाँ पे मैसेज जो भी टाइप करेंगे ना वो यहाँ पे आएगा, इसको ब्लैंक छोड़ दो, सारे के सारे मैसेज इधर आने हैं। रेस्टफुल जो API है वो कैसे क्रिएट करनी है, ऐप डॉट गेट, यहाँ पे लिखो API, API यहाँ पे आने हैं मैसेजेस, ये होती है हमारे पास एक API क्रिएट करने का तरीका। यहाँ पे आएगी एक रिक्वेस्ट, एक आएगा रिस्पॉन्स, ये क्या करेगा, रेस्टफुल API है, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब यहाँ पर मैं एक मैसेज सेंड करूंगी दूसरे पर्सन को, दूसरे ब्राउजर पे दिखेगा, तो ये ही एंड पॉइंट क्रिएट करेगी API। रिस्पॉन्स डॉट जेसन के साथ ही हम यहाँ पे सारा काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैसेजेस, तो हमने मैसेजेस पास करने हैं तो यहाँ पे मैसेजेस आएगा। अब यहाँ पर मैं करूंगी एक नया मैसेज क्रिएट करना है, ऐप डॉट पोस्ट, API आएगा जहाँ पे, लेकिन जहाँ साथ में राउटर ऐसे क्रिएट करेंगे, API मैसेजेस यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगी, एक आएगी रिक्वेस्ट, एक आएगा रिस्पॉन्स, कॉन्स्ट एक नया हमने वेरिएबल क्रिएट कर लेना, कोई भी नाम मैसेज ही लिख देते हैं, जो भी रिक्वेस्ट होगी डॉट बॉडी, बॉडी में इस पे मैसेज ही जाएगा, मैसेज हमने सेंड करना है, यहाँ पे आएगा जो मेरे पास मैसेजेस वाला है, पिछले वाला जो वो ये था ना मैसेजेस, उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, डॉट पुश कर दो, इंसर्ट कर दो किसको, जो हमने मैसेज क्रिएट किया है, हेलो हाय कुछ भी होगा तो यही उसको पुश करेगा, पुश करना मतलब इंसर्ट करना होता है, इसको स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, मैसेज ये पुश कर देगा, आईओ डॉट एमिट लगाएंगे यहाँ पे, इधर आपने लिखना है न्यू मैसेज कॉमा, इधर आएगा मैसेज, ऐसा थोड़ी है कि एक ही मैसेज भेजना है, एक सुनी मैंने टाइप किया इसने भेज दिया, उसके बाद एमिट करने के बाद एक नया मैसेज भी क्रिएट करना है, पहले हाय भेजेंगे फिर हेलो भेजेंगे, ऐसे एक एक करके मैसेज भेजते जाएंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 पेज है एक डॉट जेसन, यहाँ पे आएगा मैसेज। अब ये सारे जो पेजेस होते हैं ना इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, 201 हो गया, 404 हो गया, 500 हो गया, बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे बाकी 404 पेज होता है वो हमें बताता है कि आपका पेज फाउंड नहीं है, या पेज बना ही नहीं है, वो पेज फाउंड नहीं होता, तो सेम ऐसे ही 201 पेज होता है एक, इसलिए हमें बताना है कि आपने जो भी रिक्वेस्ट की है वो फुलफिल हो चुकी है, तो वो हमने सबमिट कर दी है, ठीक है, उसके लिए नए रिसोर्सेज हमने क्रिएट कर दे हैं, तो ये मतलब हमारी जो रिक्वेस्ट है मैसेज है वो सेंड हो चुका है, बेसिकली इसने यही बताना है। ये हो गया हमारा स्टेटस भी एक क्रिएट हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे कनेक्शन क्रिएट करना है, आईओ डॉट ऑन जहाँ पे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे एक कनेक्शन क्रिएट कर देती हूँ, कनेक्शन पहले भी आप क्रिएट कर सकते हैं आपकी मर्जी है, कोड इसके लिए यही रहेगा कनेक्शन, और यहाँ पे आएगा इसको सॉकेट को ऐसे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक आनी है ब्रैकेट, ऐसे आना है, इसके बीच हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे, यही कनेक्शन बस क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पे मैसेज भी आना चाहिए, यहाँ पे आएगा न्यू यूजर कनेक्टेड, सेम ऐसे ही लगाएंगे, ये होता है कनेक्शन क्रिएट करना किसी भी सॉकेट के साथ,
नया यूजर क्रिएट हो गया जहाँ पे हमें मैसेज आ जाएगा। उसके बाद सॉकेट डॉट ऑन उसको डिस्कनेक्ट भी करना है। जैसे ही कनेक्शन बंद होगा वहां पे मैसेज आएगा डिस्कनेक्टेड। देख लेते हैं सर्वर पे चल रही है आउटपुट हमारे। इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम देख लेते हैं पोर्ट वाले पे हमारे पास आउटपुट है कि नहीं। तो चलो तो रही आउटपुट बस सही है। फिर से एक बार रिफ्रेश करो, एरर है। तो यहाँ पर जे वाली अगर ऐसे आ रहा है ना इशू, तो मतलब एरर है। एरर देख लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं फिर से रिस्टार्ट। नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस, तो कोई एरर है। जे वाली अगर हमारे पास लाइन आ रही है, इधर भी हम चेक कर लेते हैं। इसको करो रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो हमारा सर्वर ही नहीं चला अभी। इसको कर दो यहाँ से बंद। हमारे पास जो हमने सर्वर, अच्छा वो वाला सर्वर हमने क्रिएट ही नहीं किया। इधर चलते हैं सर्वर डॉट लिसन, यहाँ पे पोर्ट हमने जो ऐड करना पड़ेगा, इधर आएगा मेरे पास कंसोल डॉट लॉग। एक मैसेज दिखा देते हैं ऐसे, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर, यहाँ पे आएगा डॉलर जी, हो गया। इसको करो सेव। अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गई, रिफ्रेश। इधर मेरे पास ये इंटरफेस आया। तो ये आप अब ये हम क्रिएट करेंगे, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ये मैंने पहले क्रिएट किया था। बेसिकली आपके पास आउटपुट कुछ ऐसी आनी है, तो कुछ भी नहीं आना, बस आपके पास कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अब हमने ये वाला हमारा कोड कंप्लीट हो गया, कनेक्शन भी हमारे पास, ये देखो यूजर डिस्कनेक्टेड हो गया ना। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपके पास जो आउटपुट आनी चाहिए, एक नया यूजर कनेक्ट हो चुका है, एक यूजर डिस्कनेक्ट हो चुका है। बस ऐसे ही ये चलता रहेगा। मेन बस आपके पास ये आउटपुट आनी चाहिए कि यूजर कनेक्ट हुआ है कि नहीं। अब हम यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं छोटा सा। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाके एक पेज क्रिएट करना है। एच टी एम एल एड हो गया, जहां पे आएगा बॉडी, इधर हम लगाएंगे H1 में चैट एप्लीकेशन, कुछ भी लिख दो चैट ऐप। एक आपने क्रिएट करनी है यूएल लिस्ट, इसके अंदर सारे मैसेजेस शो होने हैं। इसको बस आईडी दे देनी है, आईडी इसको नाम दो मैसेजेस का। अब ये देखो जो आईडी मैसेजेस हमने लिखी है ना, इधर देखो हमने जहाँ पे भी मैसेजेस यूज किया है ना, वो आईडी यूज किया है। तो ये वाली जो आईडी है ना, ये वाली मैसेजेस मैसेजेस ये सारे हमने जो लगाए हुए हैं, वो बेसिकली यहाँ से ही जाने, ठीक है। आईडी हमने इसको मेंशन कर दी, इसी आईडी को हमने वहां पे यूज किया है। एक यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करो, तो यहाँ पे फॉर्म के साथ ही सारा काम होगा, क्योंकि जहाँ पे हम इसको एक आईडी मेंशन करेंगे, आईडी क्या करेंगे, मैसेज फॉर्म, कोई भी आईडी नाम दे दो एक नया। एक आएगा यहाँ पे इनपुट, इसकी टाइप मेंशन कर दो इज इक्वल टू, टाइप रहने देते हैं, रहने दो, टाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको आईडी दे दो। आईडी इसको देंगे हम मैसेज इनपुट। यहाँ पे आएगा ऑटो कंप्लीट लगाना है तो सही है, नहीं तो रहने भी दो। यहाँ पे ऑफ कर दो, तो जो भी हमें पहले मैसेज टाइप करेंगे तो वो वहां पे बार बार नजर नहीं आएगा। इसको रिक्वायर्ड भी लगा दो कि ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। बस एक लगाएंगे बटन, बटन के साथ सेंड लिख दो। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप, टाइप लिखनी जरूरी है, सबमिट करना है डेटा, तो सबमिट आएगी टाइप। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एक स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्स्ट सॉकेट इज इक्वल टू आईओ। सॉकेट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, कैसे करेंगे, सॉकेट डॉट ऑन, सबसे पहले इसको ऑन करना है। न्यू मैसेज, यहाँ पे जो हमने न्यू मैसेज लिखा हुआ है, न्यू मैसेज यहाँ पे आएगा, एक फंक्शन क्रिएट करना है, कौन सा मैसेजेस, ये वाला जो मैसेज है, मैसेजेस नहीं लिखना, मैसेज वाला हमने क्रिएट करना है एक।
इसको एक इसका ऑब्जेक्ट पास करना है ऐसे, कॉस्ट आइटम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करना है एक एलिमेंट, क्योंकि चैटिंग वाली हमने एक चैटिंग वाला इंटरफेस बनाना है। तो मैं जहाँ पे जैसे जैसे मैसेज टाइप करती जाऊंगी ना, रिफ्रेश करो, इधर मैं हाई टाइप करूंगी, सेंड करूंगी, तो जहाँ पे मुझे हाई नजर लिखा आना चाहिए तो वो एक लिस्ट में क्रिएट होगा। जब क्रिएट होगा तब आप समझ जाएंगे कि हमने ये क्यों क्रिएट किया है। एल आई टैग का क्रिएट हो गया, आई टैग आइटम डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट कॉन्टेंट। ये जावा स्क्रिप्ट में सब कुछ मैंने करवाया हुआ है। यहाँ पे ये बार सिंबल प्रेस करेंगे हम, इसके बीच लिखो डॉलर मैसेज डॉट यूजर, जो भी हम मैसेज भेजेंगे डॉलर, यहाँ पे आएगा मैसेज डॉट मैसेज, जो भी बंदा, ये पता क्या होगा, मैं जहाँ पे चैटिंग करूंगी ना, एक तो मेरा नाम आएगा, मैं यूजर हूँ वहां पे लिखा आएगा, साथ में एक मैसेज ही लिखा आएगा। बेसिकली ये आउटपुट कुछ ऐसी दिखेगी, यूजर यहाँ पे आएगा हाय, फिर से आएगा यूजर हेलो, यूजर हेलो, यूजर हाय, ये आउटपुट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूजर लिखा आएगा, उसके बाद मैसेज लिखा आएगा, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे ये वाला सिंपल, यहीं पे खत्म हो गया, इसको कर दो बंद। और इसमें चलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट कर लो एलिमेंट बाय आईडी, जो भी अभी हमने आईडी वहां पे मेंशन किया इसको गेट करेंगे, कौन सी आईडी, मैसेज वाली, जो भी मैसेज टाइप करेंगे इसको गेट करना भी जरूरी है, तभी तो हम इसको शो करा पाएंगे। मैसेज डॉट उसको गेट करके अपेंड चाइल्ड कर दो, मतलब ब्राउजर पे दिखा दो, ब्राउजर के ऊपर जो मैसेज लिखा नजर आना चाहिए अपेंड करना बोलते हैं। रिफ्रेश करो, जैसे मैं कुछ टाइप करूंगी इसको सेंड करूंगी ना, यहाँ पे नजर आना चाहिए। और ये हो गया हमारे पास कनेक्शन, तो हमारे क्रिएट हो चुके हैं सारे के सारे, मेरे पास जितने भी ब्राउजर हैं सारे के सारे ब्राउजर हमारे पास कनेक्ट हो चुके हैं। पहले हम इसको बैक कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करो, कॉपी, इसी को हम नए टैब में ओपन कर रहे हैं, पेस्ट। अब यहाँ पे मेरे पास दो टैब है, यहाँ पर हम लाइव चैटिंग करके देखेंगे, इधर मैं मैसेज भेजूंगी इधर से रिप्लाई आएगा, इधर से मैं मैसेज भेजूंगी इधर से रिप्लाई आएगा, ठीक है, वो हम लाइव यहाँ पे चेक करेंगे। इधर चलते हैं, ये हो गया हमारा कोड खत्म। डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे आएगा गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय आईडी, आईडी कौन सी आनी है, मैसेज फॉर्म, अब यहाँ पे फॉर्म वाली आईडी को गेट करेंगे। डॉट एड, अब यहाँ पे इवेंट लिसनर लगेगा, इवेंट लिसनर कौन सा लगेगा है वो भी पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लगेगा सबमिट। जब भी डेटा सबमिट होगा तो यहाँ पर इवेंट लिसनर फॉर्म के ऊपर लगेगा, जब डेटा सबमिट करेंगे तब एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसको एक ऑब्जेक्ट पास कर दो ई नाम का। ये है बेसिकली हमारी एक लाइन कंप्लीट, क्योंकि फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पर इवेंट लिसनर लगेगा, मैं जहाँ पे कोई मैसेज सेंड करूंगी इसको कैसे पता चलेगा कि मैसेज कोई आया है, तो वो सबमिट के साथ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, ई डॉट प्रिवेंट भी लगा देते हैं, इसके साथ क्या होगा, बार बार पेज रिफ्रेश नहीं होगा, जितनी बार मर्जी पेज रिफ्रेश करो बार बार डेटा सेंड नहीं होगा, एक मैसेज बार बार सेंड नहीं होगा। कॉस्ट इनपुट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने जो भी मैसेज टाइप किया है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे जो हमने इनपुट फील्ड को मैसेज इनपुट लगाई है आईडी, उसको गेट कर लो। मैं जहाँ पे हाई टाइप करूंगी उसकी जो वैल्यू है, हाई टाइप किया तो हाई आएगा इसमें, फैच कर लो, अब यहाँ पे फैच लगेगा, कहाँ से करना है एपीआई, यही मेन चीज है जो आपने सीखनी है, एपीआई वहां पे हमने उधर लिखी है ना एपीआई मैसेजेस, ये अब यहाँ पे जाएगा, इधर आएगा जी, ठीक है, इस वाले पार्ट में, तभी मल्टीपल ब्राउजर के साथ हम चैटिंग कर पाएंगे। जहां पे पहुंच गया ये मैसेजेस, और इसमें ना हम ऐसा करते हैं कॉमा, इधर लिखो मेथड, कौन सा मेथड यूज करना है, पोस्ट, तो हम पोस्ट ही हमेशा यूज करते हैं, एक इसमें हैडर जाता है, हैडर के बीच क्या हम करेंगे, कंटेंट टाइप, जो भी कंटेंट टाइप है वो हैडर में जाएगा,
जब भी एपीआई के बीच हम डेटा भेजते हैं तो हेडर के साथ कुछ ना कुछ भेजते हैं। एप्लीकेशन जेसन में होगा ये, बस आपने ऐसे लिखना है। और यहाँ पे आ जाओ, एक होती है बॉडी, जब भी डेटा भेजते हैं तो एक हेडर होता है, एक बॉडी होती है। बॉडी में हमने भेजना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या जाएगा बॉडी में? बॉडी में बेसिकली मैसेज ही आना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक जाएगा यूजर, तो वहां पे यूजर लिखा नजर आए। एक जाएगा मैसेज, तो वहां पे मैसेज लिखा नजर आए। मैसेज कहाँ से आएगा? इनपुट फील्ड से। जो भी इनपुट फील्ड में वैल्यू होगी वो हमारा होगा मैसेज। अब ये वाली चीज पूरी को पूरी है, यही मेन है कि यहाँ पर मैं टाइप करूंगी तो मैसेज वही जाएगा। इनपुट फील्ड में मैं जो भी टाइप करूंगी ये मैसेज ही जाएगा, साथ में यूजर लेके जाएगा। यूजर मतलब यहाँ पर यूजर लिखा नजर आना चाहिए। और यहाँ पे चले जाते हैं, इसके बाद आपने आ जाना है इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, इसको ब्लैंक कर दो। जब भी हम हेलो हाय सेंड कर देंगे तो ये वाला ब्लैंक हो जाएगा, वैसे तो ये ब्लैंक ही है लेकिन जब ऑनलाइन हम चैटिंग करते हैं तो ये ब्लैंक हो जाना चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया ब्लैंक और हो ही गया। जहां पर इसको हम सेव कर देते हैं, एक बार इधर आके चेक कर लेते हैं ये किधर गया। तो यहाँ पे तो सब ओके है, इधर चलते हैं, इसको हम बैक कर देते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो हमारे पास बेसिकली इधर मैसेज अभी आ नहीं रहा, शो नहीं हुआ, इसको हम बंद कर देते हैं। ये है मैसेजेस, जहाँ पे थ्री डॉट है तो ये नहीं होना चाहिए। ये देखो इसको मिल नहीं रहा, तो इसमें इश्यू है, इसको मैसेज मैसेजेस वाला मिल ही नहीं रहा कीवर्ड। यहाँ पे आ जाओ, इधर हमने लेट मैसेज लिखा है ना, तो यहाँ पर ऐसा आएगा मैसेजेस आना है, इसीलिए वो उसको मिल नहीं रहा मैसेजेस वाला, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। इधर हम कुछ भी टाइप करेंगे, सेंड करो, अभी भी शो नहीं हो रहा। और देख लेते हैं एरर, चेक कर लेते हैं सारा। अब हम चलते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, यहाँ पे इंस्पेक्ट करके हम एरर चेक करते हैं। एरर मैं दिखा देती हूँ हमारे पास क्या है, इंस्पेक्ट करो। यहाँ पे एक एरर है कंसोल। एरर क्या है? आईओ इज नॉट डिफाइंड। आईओ को हमने हर जगह डिफाइन किया है लेकिन इंडेक्स वाले पेज पे नहीं किया, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक लिंक लगाना पड़ेगा, सीडीएन लिंक। हेड सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट टैग के साथ लगाना है। इसको हम लगाएंगे एसआरसी सोर्स सॉकेट, इधर भी हमें सॉकेट लगाना पड़ेगा, सॉकेट डॉट आईओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, सॉकेट डॉट आईओ डॉट जीएस। ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है, तो हम इसको लगाएंगे तो पूरे का पूरा सॉकेट जहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगा। फिर चेक कर देते हैं, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, इसको बंद कर दो। इधर आके कुछ टाइप करो, सेंड। अभी यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है लेकिन मैसेज ही नहीं शो रहा, तो यहाँ पर हमारे पास एरर, इधर पूरे का पूरा जो कोड है उसमें एरर नहीं है, फ्रंट एंड में एरर हो सकती है। यहाँ पर है मेरे पास अनकॉट एरर, यहाँ पर एरर है मेरे पास 18 लाइन में, रीडिंग अपेंड चाइल्ड। देखा हमारी फ्रंट एंड में ही प्रॉब्लम है, अपेंड चाइल्ड है जो ये वाला, ये हमें मैसेज वहां पे दिखा नहीं रहा ब्राउजर पे। मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज, बेसिकली जहाँ पर मैसेजेस वहां पर है ना, उधर वहां से मैसेजेस आना है, मैसेजेस ये आएगा इधर से, तो हमने जो इधर मैसेजेस लिखा है ना वहां से मैसेज आना है, इसीलिए वो हमें दिखा नहीं रहा। तो यहाँ पर ऐसा ऐड कर देना, रिफ्रेश करो, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी टाइप करो, सेंड। अब जहाँ पे मेरे पास आ तो गया लेकिन अनडिफाइंड आ रहा, अब फिर से हमारे पास एक इश्यू है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जी सब ओके है, अनडिफाइंड आ रहा है तो उसने वो वाली वैल्यू नहीं गेट की, मतलब जो इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करनी है वो नहीं आई। हमारे पास एरर है जहाँ पे इनपुट वाली फील्ड है ना, जहाँ से जो वैल्यू उठा रहे हैं हम, इधर अनडिफाइंड आ रही है, जो मैं टाइप कर रही हूँ वो नहीं नजर आ रहा, अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब उसको हेडर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर हेडर में प्रॉब्लम है, हेडर्स होता है, हेडर नहीं, तो यहाँ पर ऐसा आनी है साथ में। अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं, बाकी पूरा कोड ओके है। यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, इधर क्या आया यूजर, इधर क्या आया जे वाला। अब इसको
चेक करते हैं। मैं जहाँ पे हाई टाइप करूंगी, रिफ्रेश करो, इधर हमें जहाँ पे लिखेंगे हाई। अब देखो ऑनलाइन चैटिंग कैसे होती है, एक नया ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, सब कुछ मिनिमाइज कर देते हैं, ये भी हम मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट करो। अब यहाँ पे मेरे पास दो आ गई, ठीक है, इधर मैं कुछ भी टाइप करूंगी, इधर मैसेज आ रहा है, इधर मैं हेलो टाइप करूंगी, इधर देखो हेलो आ गया, इधर कैसे हो कुछ भी टाइप करो, इधर मैं बोल देती हूँ ठीक हूँ ऐसे। तो ये देखो इधर से मैं मैसेज भेज रही हूँ तो उधर जा रहा है, तो इसको हम रियल टाइम में चैटिंग बोलते हैं। कुछ भी टाइप करते रहो, इधर भी आ रहा है मैसेज, इधर से मैं रिप्लाई करूंगी तो मैसेज उधर भी जा रहा है, इसको भी नजर आ रहा है। यहाँ पे आएगा आपका इंटरफेस, मतलब चैटिंग एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो आपने क्रिएट करना है, बाकी आपकी चैटिंग एप्लीकेशन हो जाएगी रेडी। इसको हम कंप्लीट क्रिएट करेंगे कि चैटिंग एप्लीकेशन रियल टाइम जैसे चैटिंग करते हैं, बस ऐसे ही होती है चैटिंग। जितने मर्जी ब्राउजर अब ओपन करो तो वहां पर आप सारे के सारे मिलके, मल्टीपल यूजर्स मिलके चैटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यही होता है हमारा बेसिकली जो चैटिंग के लिए सॉकेट यूज करते हैं, ठीक है। कुछ भी टाइप करते हैं या मैसेज वहां पे जाता रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप इधर चेक करें, आपका जो कनेक्शन है वो क्रिएट होना चाहिए नए यूजर के साथ। एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्रिएट है भी नहीं, है भी है या नहीं। तो यहाँ पर देखो कनेक्ट हो रहा है, तो जहाँ पे डिस्कनेक्ट होता रहेगा कनेक्ट होता रहेगा, नया यूजर फिर से डिस्कनेक्ट होता रहेगा। ये देखो नया यूजर कनेक्ट, डिसकनेक्ट, यूजर कनेक्ट, डिसकनेक्ट। तो ये जैसे मैं, जो भी कनेक्ट वो होगा जो मैसेज भेजेगा, डिसकनेक्ट वो होगा जिसको मैसेज जाएगा, ठीक है। ये बार बार ऐसे ही ये चलता ही रहेगा, ऐसे प्रोसेस। ये हो गया हमारा कंप्लीट एक टॉपिक, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, बस एक टॉपिक हमारा बाकी है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, रियल टाइम चैटिंग एप्लीकेशन पहले बनाएंगे, फिर बाकी नेक्स्ट करेंगे।